अलवर के रामगढ़ से खबर। गड़े धन की अफवाह पर जमकर मारपीट, तीन लोगों से जमकर की गई है मारपीट। गड़े धन को खोदने आए लोगों को टोकने पर ये पूरा मारपीट का मामला है। तो खबर इस वक्त के अलवर से। कल शाम को गड़ी के पास में कुछ तीन चार आदमी एक बावड़ी के पास में खड़े थे। गांव के लोगों को कुछ शंका हुई कि ये बाहर के आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं। पड़ोस के गांव के थे, कोटा के, तो उनके साथ मारपीट कर दी। उसी क्रम में आज जो गड़ी के दो बाप बेटे अलवर से वापस घर जा रहे थे, चार पांच मेवों ने मिलके उसके साथ मारपीट कर दी। पुलिस को सूचना मिलने पे पुलिस तुरंत मौके पे गई है और दोनों को मजरूबों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मेडिकल करा दिया, इलाज करा दिया। अभी उनको रिपोर्ट देने के लिए कहा है, रिपोर्ट दी नहीं है। वो कह रहे हैं रिपोर्ट अभी सोच समझ के हम देंगे। एक आध कह रहे हैं वकील से सलाह लेके देंगे। कुल मिला के हम समझाइश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है। और इसी में कुछ व्यक्तियों को शांति में उनके आरोप में भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना हुई आपके साथ? रात को 10 बजे ये हमारे बावड़ी वाला कुआ है, वहाँ आए दोनों तो तीन लड़के उसके। अच्छा, हमारे बच्चे वहाँ घूमने गए, उन्होंने देख लिया इसको और ये छुप गया बाजरे में। वो लड़के भाग गए, बच्चों ने ये कही हम फोन करते हैं गुरमत कुआ, जो बच्चे गए हैं उनको घेर लेगा आगे इस पहाड़ में। अच्छा, जब उसको फोन करा उसका फोन बाजरे में बजा, बाजरे में बजा तो उन्होंने कही तू हुरमत है बाहर आ जा, ये नहीं आया। बड़ी कोशिश करी, जब गांव वालों ने उसका घेरा करा तो जब ये बाहर आया, जब इसको पकड़ के मेरे पास लाए और इन्हों पकड़ के लाए तो मैंने कही चल रफा दफा कर दो इसको, सुबह बात करेंगे। अच्छा, फिर हमने रफा दफा कर दिया उसको, फिर ये घर ले गए। वहाँ से घर से हमारे देते हैं धमकी, हम पिस्तौल ला रहे हैं, बंदूक ला रहे हैं, तुम्हारे ख़त्म कर देंगे। अच्छा, फिर हम सो गए। मैंने कहा अब सुबह बात करेंगे। सुबह मैंने उनका मुश्किल आदमी है अनूस खां, उससे बात करी। अनूस ने कही यहाँ बैठ के राजीनामा कर लेंगे, लड़ाई की कोई बात नहीं है, कोई इसमें कोई ज़्यादा बात भी नहीं हुई। आज फिर ये हमारा बच्चा उधर गया और हमारे को मारा। इसमें 50 आदमी थे, मैं एक आदमी था, हम 2 आदमी थे। मेरे फोन भी खोल लिया और पैसे थे 13,000 मेरे थे, 25,000 हमारे लड़के के थे और बैंक मैनेजर था, उनको रस्ते में मारा। और 50 आदमी पूछने वाले ना होते थे हमारे को मार देते थे जान से। कौन जाति के थे? मेव जाति के थे, निया। और ये घटना 5 बजे एक शाम की है। रिपोर्ट दर्ज करा दी आपने? अभी नहीं हुई। सर, मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं गढ़ी का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे एक पुरानी बावड़ी है, पुराना महल है जिसमें सोना बताते हैं। तो उसमें हुरमत कई दिनों से प्रयास कर रहा था खोदने के। तो रात को वो तीनों चारों बाप बेटे और साथ में कोई लेके आए थे खोदने के लिए। तो गांव में सूचना मिली तो गांव के लड़के गए थे उसको देखने के लिए। तो वो वहाँ से हमको देख के और वो भग गया बाजरे में भग गया। तो हमको नहीं पता वो हुरमत है कौन है, लेकिन जब वो हुरमत की घर की तरफ भगे तो मैंने हुरमत को फ़ोन करा तो हुरमत का फ़ोन बाजरे में बजा। तो फिर दूसरी बार उसने फोन से चुप कर लिया। तो हमने बोला हुरमत तू हुरमत है तो आजा बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी घर की बात है, हम संभाल लेंगे। लेकिन वो आधा घंटे तक बाहर नहीं आया। उसके बाद वो एक बाजरे में से निकल नरमे के कपास में घुस गया और उसमें नरमे के पेड़ के पीछे दुबक बैठा था। उसने मुँह बांध रखा था और किसी को नहीं पता था हुरमत है कौन है, उसने बताया नहीं था। गांव के लड़कों ने एक आदमी उसको ऊपर लपट दे लिया और फिर उसको मैं जैसे मैंने देखा हुरमत है तो उसको मैं छुड़ा के अपने घर लेके आया। तो वो वहाँ पे फिर उसको उसके लड़के ले गए। फिर उसके लड़के के रात को फ़ोन मेरे पास आए, धमकी देने लग गया, भाई फिर तुमको गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गाली गलौज करी। और उसके बाद फिर उनका फ़ोन भी आया, भाई हम समझौता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनूस खान का फ़ोन आया था, भाई समझौता कर लेंगे, आज मीटिंग है हमारे साथ। हमने कोई बात नहीं, घर की बात हो जाएगी, निबट जाएगी। लेकिन जब मैं अलवर गया, अलवर से काम से आ रहा था तो मुझे गुजा की घाटी में उन्होंने घेर के गुजा के गांव में
बहुत कम से कम 20-30 लड़के थे और मेरा पापा भी वहीं था, वो बीज पता करने गया था पाजो का, वहीं शाहजी के साथ। तो मेरे पापा और मेरे को बुरी तरह मारा है, बहुत ज़्यादा गंभीर चोट लगी है। तो कितने लोग घायल हो गए होंगे? हम 4 लोगों को लगी है, मैं और मेरे पापा को ज़्यादा लगी है, एक रवि भाटी और आकाश भाटी को। उन्होंने घाटी पार पल्ली साइड वो आ रहे थे पैदल, तो उनको भी घेर के उन्होंने वहाँ पर मारा है। तो पुलिस मौके पर आई? हाँ, पुलिस मौके पर आ गई, पुलिस 1 घंटे बाद आ गई। 11 सालों के विश्वास पर टिका दीनदयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ मिलती है बीएड, बीएसटीसी, बीए और बीएससी की कोचिंग और हर समस्या का समाधान, जहाँ डायरेक्टर दीनदयाल जाखर और चेयरपर्सन डॉक्टर किरण जाखर के सानिध्य में स्टूडेंट्स की समस्या का मिलता है समाधान, क्योंकि दीनदयाल है 11 साल का विश्वास, जहाँ होता है हर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम का सलूशन। बारी फतेहपुर शिखावाटी, मोबाइल नंबर 9649173111।